डिस्कस करेंगे नदीम गोटवर की नॉवेल द बर्गर्स डॉटर। ये पब्लिश हुई थी 1979 में और एक ये हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नॉवेल है। ये जो नॉवेल है इसका थीम है एंटी अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद नीति। और ये जो नदीम गोटवर थी ये साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है और ये भी एक एंटी अपार्थीड मूवमेंट की मेंबर थी, एक्टिविस्ट थी और इनकी नॉवेल भी इसी थीम पे बेस है। इनकी दो नॉवेल एक जुलाइस पीपल और एक बर्गर्स डॉटर, इन दोनों नॉवेल को बैन कर दिया गया था क्योंकि ये दोनों ही नॉवेल एंटी अपार्थीड थीम पे बेस थी। इवन एग्जाम्स में भी, नेट एग्जाम में पूछा गया है कि नदीम गोटवर के ऐसे कौन से दो नॉवेल हैं जिनको कि बैन कर दिया गया था। तो आप नॉवेल्स नेम याद रखिएगा कि ये एक है जुलाइस पीपल और सेकेंड वन है बर्गर्स डॉटर। नदीम गोटवर एक मैन बुकर प्राइज विनर भी है। इनको बुकर प्राइज मिला था 1974 में अपने वर्क कंजर्वेशनिस्ट के लिए। उस टाइम 1974 में नदीम गोटवर के अलावा एक और नॉवलिस्ट है जिनको कि बुकर प्राइज मिला था, उनका नाम है स्टैनले मिडलेटन। उनको अपने वर्क हॉलीडेज के लिए बुकर प्राइज मिला था। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस नॉवेल में क्या है। जब ये नॉवेल स्टार्ट होती है तो रोजा जो कि इस नॉवेल की मेन प्रोटैगोनिस्ट है, इसकी एज है 26 इयर्स ओल्ड और इसके फादर और मदर दोनों ही जेल में बंद होते हैं। किस लिए? ट्रेजम की वजह से। ट्रेजम का ब्लेम इनके ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर, और इनके फादर की डेथ हो चुकी है, रोजा के फादर की। इसकी मदर कैथी बर्गर की डेथ हुई थी जब रोजा 14 इयर्स की थी। जब इसके फादर की डेथ हो चुकी है तो इनके पेरेंट्स ने एक बेसी जो कि एक ब्लैक बॉय होता है इसको अडॉप्ट किया होता है। इनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद ये दोनों साथ में, रोजा और बेसी साथ में रह रहे हैं, एज अ ब्रदर और सिस्टर ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों साथ में रहते हैं और नॉवेल में बेसी को लिटिल बॉस भी बोला गया है। रोजा और बेसी साथ में रहने के बाद रोजा को एक ऐसी फैमिली में दे दिया जाता है जो कि एग्जैक्टली एंटी अपार्थाइड मूवमेंट से ही बिलोंग करती है और वो उन लोगों को सपोर्ट करती है जो कि स्ट्रगल में उनका साथ देते हैं। कुछ दिन साथ में रहने के बाद रोजा को उसके फादर की फैमिली में भेज दिया जाता है और बेसी को कहीं और भेज दिया जाता है। रोजा और बेसी यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। रोजा अलग रह रही है और अब यहाँ पे, अब जब वो 26 ईयर ओल्ड है तो उसका घर खाली पड़ा है, उसने अपना घर बेच दिया है। घर बेचने के बाद अब वो मिलती है कनराड से। कनराड एक वो लड़का होता है जिसको वो अपने फादर के ट्रायल के टाइम पे मिली थी। कनराड से थोड़ी देर बात करती है। कनराड उसे पूछता है कि एग्जैक्टली बर्गर्स फैमिली में तुम्हारा रोल क्या है। वो इससे का जवाब नहीं देती है और इससे बहुत कम बात करती है और उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि अब मैं अपने घर पे ही रहूंगी। तो वो एक फ्लैट खरीदती है और उस फ्लैट में रहती है और अपना करियर एज अ साइकोथेरेपिस्ट स्टार्ट करती है। अपना करियर साइकोथेरेपिस्ट स्टार्ट करने के बाद ये वहां पे कंटिन्यू रह रही होती है कि अचानक उसको एक दिन पता चलता है कि एक ब्लैक यूनिवर्सिटी के लोग व्हाइट स्टूडेंट को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। इस वजह से निकाल के फेंक रहे हैं क्योंकि जो ब्लैक स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं व्हाइट पीपल से, व्हाइट स्टूडेंट से, क्योंकि व्हाइट पीपल ये समझना नहीं चाहते कि एग्जैक्टली ब्लैक स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ब्लैक पीपल क्या चाहते हैं। तो वो उनको वहां से उठा के फेंक रहे हैं। ये सुनने के बाद रोजा यहाँ पे डिसाइड करती कि अब मुझे यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। तो फ्रांस आती है। यहाँ पे रोजा क्योंकि बर्गर्स फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट है, तो ये अंडर सर्विलांस में रहती है। लेकिन फिर भी एनी हाउ ये अपने लिए पासपोर्ट वीजा मैनेज करती है और ये फ्रांस चली जाती है। जब ये फ्रांस आती है तो फ्रांस में अपनी मदर कात्या, कात्या एग्जैक्टली आप बोलेंगे कि इसकी तो मदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये कात्या इसके जो फादर की फर्स्ट वाइफ होती है, ये फ्रांस में कुछ टाइम कात्या के साथ रहती है। वहीं पे इसको मिलता है बर्नार्ड। बर्नार्ड जो कि एक पेरिस का एकेडमिक स्टूडेंट होता है। इन लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है रोजा की और बर्नार्ड की, एंड आफ्टर सम टाइम वी सी दैट कि इनकी वही फ्रेंडशिप एक रोमांटिक अफेयर में चेंज हो जाती है। तो बर्नार्ड इसको बोलता है कि तुम यहाँ से छोड़ के मेरे साथ पेरिस चलो और वहीं पे हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन इसको ज्वाइन करने से पहले रोजा क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि मुझे कुछ दिन फ्रांस में ही और रहना चाहिए। ये फ्रांस में कुछ दिन और रहती है और वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है एज अ बर्गर डॉक्टर। जैसे ही इंट्रोड्यूस कराती है एज अ बर्गर डॉक्टर तो वहां पे मीडिया का अटेंशन पूरी तरीके से रोजा के ऊपर आ जाता है।
जब इसके ऊपर टेंशन आ जाता है तो इससे लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती है यहाँ पे, तो फिर वो सोचती है कि नहीं, अब मुझे फ्रांस में नहीं रहना है, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। ये वापस अपने घर सुबैटो आ जाती है, यहाँ पे ये अपने घर आ रही है सुबैटो, यहाँ पे ये वापस आ जाती है और यहाँ पे रहने लगती है। और अगेन अपना करियर कैसे स्टार्ट करती है, एज अ साइकोथेरेपिस्ट। अपना करियर एज अ साइकोथेरेपिस्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक दिन इसको पता चलता है, नहीं, इसके पहले जब ये फ्रांस में ही होती है और अपने आप को एज अ बर्गर डॉटर इंट्रोड्यूस कराती है, तब तो वही एक इवेंट में इसकी बैसी से मुलाकात होती है। इसकी बैसी से, ये बैसी वही है जो स्टार्टिंग में ये दोनों लोग साथ में रहते थे नॉवेल के। यहाँ पे बैसी रोजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और रोजा को कई तरीके से क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि आई डोंट वॉन्ट योर एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्योंकि तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे फादर की जैसे ही डेथ हुई है जेल में, ऐसे तो बहुत सारे ब्लैक पीपल के फादर की डेथ हो जाती है, इस पे कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें सुनकर रोजा को बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये बोलती है कि अरे ऐसा क्या है, हम दोनों लोग तो साथ में रहे हैं, तुम मुझे इस तरीके से क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। लेकिन वैसे इसको हर तरीके से क्रिटिसाइज करना जारी रखता है। उसके बाद ये छोड़ के सुबैटो आ जाती है और सुवेटो में अपना करियर एज अ साइकोथेरेपिस्ट अगेन स्टार्ट करती है। साइकोथेरेपिस्ट करियर स्टार्ट कर लिया होता है इसने, इसका इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है कि अचानक से सुवेटो के ही स्टूडेंट ये कहते हैं एक रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। उस रिवॉल्ट में ये होता है कि वो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम लोगों को एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है, और इस वजह से सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाते हैं, बहुत एक हिंसा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस क्या करती है, रोजा को अरेस्ट कर लेती है। रोजा को अरेस्ट करने का कारण ये था कि एक तो रोजा एंटी अपार्थाइड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, और तो पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका ही हाथ हो। वो रोजा को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो रोजा को बचाने के लिए लॉयर आते हैं। ये लॉयर वही होते हैं जो कुछ वर्षों पहले उस लॉयर ने इनके फादर को भी रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे ये लॉयर सोचता है कि होप सो मुझे उम्मीद है कि रोजा के ऊपर भी वही ब्लेम लगाया गया होगा जो कि कुछ वर्षों पहले इसके फादर के ऊपर लगाया गया था। एग्जैक्टली होता भी यही है। पुलिस यहाँ पे ये मानती है कि ये जो सुबैटो स्टूडेंट ने जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया है उसको उकसाने में रोजा का पूरा पूरा हाथ है, और रोजा ने इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने में लोगों की हेल्प की है। और अब यहाँ पे पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हम लोग जितने भी एंटी अपार्टाइड ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को बंद कर दें, जिसमें एसएसीपी, साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम बंद करा दें, जिससे उन ऑर्गेनाइजेशन को बंद होने के बाद ये रिवॉल्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा और रोजा यहाँ पे लास्ट में जेल में ही बंद रहती है, और यहाँ पे ये नॉवेल खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।